गाइस दिस इज एरियन फ्रॉम dkcaptain.com और फ्रेंड्स आज के इस लेसन में सीखेंगे कि फोटो मैनिपुलेट कैसे करना है। तो ये जो फोटो मैनिपुलेशन है ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है और आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी मैं इमेजेस यूज़ करूँगा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो जैसा मैं करूँ उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ओके, जैसे कि मैंने कुछ इमेजेस लिए, मैं इनको डायरेक्टली ओपन किए ले रहा हूँ जो भी इमेजेस हमें यूज़ करनी है यहाँ पे। ओके, ये इमेज हमें यूज़ करनी है। साइज को बढ़ा देते हैं इस इमेज के साइज को और इसको हम क्रॉप कर लेंगे। ओके, अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेते हैं और इसका जो साइज ले रहे हैं लगभग ये 1200 इसकी विड्थ है और इसकी हाइट जो है 822 है। ओके, सो ये हमारा बैकग्राउंड है और इस पर हम इमेज को रेडी करना है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को रेडी कर लेते हैं और जैसे कि मैंने कुछ और इमेजेस लिए हैं। ओके, ये इसको यहाँ पे लाएंगे। सो इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इरेजर टूल का यूज करते हैं और इसकी ओपेसिटी लगभग 69 के आसपास रख लेते हैं और इसका फ्लो ये रखते हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी आप चाहें तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं ताकि यहाँ पे हमें ऐसे करके आप बैकग्राउंड रेडी कर सकते हैं। और इसके बाद में क्या करते हैं, जो कुछ ये हम बर्ड यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इसका सिलेक्शन मारने के लिए हम क्विक टूल का यूज करते हैं। सो आप डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल से कंट्रोल वी कर सकते हैं तो ऐसे इसकी डुप्लीकेट रेडी हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम अपने बैकग्राउंड पे इसको ड्रैग कर लेंगे। तो ये देखिए ड्रैग हो गया आगे, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, और ये इमेज का कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको साइड में ले आते हैं। ओके, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये बैकग्राउंड है छोटा सा, इसको भी यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग कर लेंगे और इसको क्लोज कर देते हैं। इसको बिल्कुल साइड में ले जाएंगे और यहाँ पे भी हम इरेजर टूल का यूज़ करते हैं, या फिर आप इरेजर टूल अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी मास्किंग करके भी इसको हटा सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा देंगे, ब्रश साइज बड़ा कर लेंगे। अब ब्रैकेट की का यूज करके अब ब्रश साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको 100% कर रहे हैं, अब थोड़ा सा कम कर लेंगे। और जिसको इसकी थोड़ी जो ग्लोनेस है वो बढ़ रहने देंगे, पूरी नहीं हटाएंगे और ये ताकि ये दिखाई पड़े। अगर इसको पूरी ग्लो आप इसकी हटा देंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या है। ओके, सो ऐसे करके हमने इतना रेडी किया।
ओके अब इतना रेडी करने के बाद में हम ये कर लेंगे और बैकग्राउंड जीरो कर देते हैं ना भी करिए। अब फिर क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे और इमेज को पूरी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। इसका रिफाइन इस टूल का यूज करके आप इसको हटा सकते हैं करने के बाद में। ओके बैकग्राउंड रिमूव हो गया और इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके और फिर हमें क्या करना है, अब हम अपनी पिक ले लेंगे और जो भी इमेज यूज करनी है इसका भी लेना है और इसको यहाँ से हटाते हैं। उसको भी थोड़ी देर के लिए हम ऑफ कर देते हैं। अब हमारी ये इमेज बची है जो मेरी है और आप अपनी ऐसे पिक क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। इसको क्रॉप कर लेंगे अपने हिसाब से और इमेज का भी सिलेक्शन बना लेते हैं। हो चुका है, अब फाइनेंस करेंगे और ये हट चुका है बैकग्राउंड और इसको भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे अपने जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो अब लगभग रेडी हो चुका है। अब हमारा ये बैकग्राउंड भी हमने ले लिया है, इसको भी हटा देते हैं। सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी हैं, अब सबको मैनेज करना है। थोड़ा सा इमेज को बड़ा करेंगे। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब इतना डन करने के बाद में क्या करना है, इसका कलर थोड़ा सा मैच कराना होगा। इनका जो कलर है वो काफ़ी अजीब सा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप कंट्रोल एल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और लेवल पे आने के बाद में यहाँ पे इसको आप माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हम कलर जो है उसको डार्क ही लेंगे क्योंकि ये इमेज जो बन रही बिल्कुल डार्क टाइप की बन रही, तो हम यहाँ पे इमेज को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। कार का सिलेक्शन बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये कार का सिलेक्शन बन जाएगा। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एल करेंगे या आप मेनू में जाके लेवल का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, इसको भी थोड़ी सी डार्क करेंगे और ओके। आप इतना रेडी करने के बाद में हमें क्या करना है, अब इस बैकग्राउंड को ओपन करेंगे जो हमने लिया था और इस सबको सबसे ऊपर ले जाएंगे इसको और यहाँ ब्लेंडिंग मोड पे आएंगे, इसको स्क्रीन कर देंगे। ये स्क्रीन करने के बाद में अब हमें क्या करना है, हम अपना इरेजर टूल लेंगे और इसकी ओपेसिटी 60 to 70 कर देंगे, 60 से 70 के बीच में रखते हैं और ब्रश साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये इमेज सेलेक्ट करेंगे। ओके यस सेलेक्ट करने के बाद में अब फिर यहाँ पे आएंगे, आप लासो टूल का यूज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे
क्विक सिलेक्शन यूज करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। सो इससे इस क्या करेंगे यहाँ पे हम ये गॉगल्स का सिलेक्शन बनाएंगे। ओके इतना रेडी करने के बाद में अब क्या करेंगे, हम एक नई लेयर ले लेते हैं। ओके अब नई लेयर ले ली और यहाँ पे हम ये ब्लू कलर डालते हैं ब्रश से हम ये ब्लू कलर डालेंगे। ओके और इसी के हिसाब से ब्रश का साइज कर लेंगे। ओके इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं 100% ही कर देंगे। इतना रेडी किया। अब यहाँ पे आने के बाद में हम डिलीट किया और इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ओके ये बेस्ट रहेगा, नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा और अच्छा भी लगेगा। ओके अब इतना रेडी करने के बाद में आप एक काम और कर सकते हैं, हम फिर से अपने इस बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करेंगे जो अभी हम यूज़ कर रहे थे। जैसे कि ये मेरा बैकग्राउंड है, या इसके अलावा आप दूसरा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। जो ये इमेज यूज़ की थी इसको दोबारा यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, इसको छोटा करता है। इसको हेडलाइट्स भी हम दिखाएंगे, इस वजह से हम यहाँ पे इसका यूज करने जा रहे हैं और मेरा कोई पर्पज नहीं है इसको यूज करने का। यहाँ पे आएंगे, इसको स्क्रीन करेंगे और स्क्रीन करने के बाद में इसको हम सही से कंट्रोल डी कराएंगे। ओके अब यहाँ पे आएंगे, इरेजर टूल का यूज करेंगे और इसको इरेज कर देंगे जो इसका बाकी कहीं से इधर उधर भाग रहा है। ओके अब ये हमारा है इसका, और इसको इसका कलर हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे जैसा कि हमें देना है यहाँ पे। बेस्ट रहेगा। अब हम इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल जे प्रेस कर करके, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। अब मर्ज कर देंगे तीनों को, तो देखिए तीनों को मर्ज किया तो ये इफेक्ट आया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, फिर स्क्रीन पे जाएंगे और ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसी को इसी की एक डुप्लीकेट कंट्रोल जे प्रेस करके और बनाएंगे और इसको जस्ट इसके बगल वाली जो लेयर है कंट्रोल टी करेंगे और इसको जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। इसको छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से इसको यहाँ पे मैनेज करेंगे। ओके सो अब देखिए लाइटिंग ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जल रही है अपने हिसाब से, बिल्कुल ओके ऐसे कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद में हम जो जितनी भी लेयर्स यूज़ की, जब जैसे कि मैं इमेज के ऊपर देखिए अब काफ़ी वाइट सा जो एज आ रहा है, काफ़ी वाइट है, इसको हम रिमूव करेंगे
अदरवाइज ये काफी भद्दा लगेगा। सो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक अपनी ये लेयर सेलेक्ट करते हैं जो हमारी पिक वाली लेयर है, ये देखिए इसका सिलेक्शन करते हैं और इस पर मास्किंग कर देते हैं। मास्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे याद रखिए आपको ब्लैक होना चाहिए। और यहाँ पे आएंगे, ब्रश टूल लेंगे और अपने हिसाब से इसका साइज छोटा बड़ा करेंगे, इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा, ओके। और इसके ओपेसिटी हम इसको 100% कर रहे हैं ताकि हमारा पूरा ये, और ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। सो कपड़ों पे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सर पे जो काफी आ रहा था वो नहीं चल पाएगा। अब जैसे यहाँ पे नेक पे देखिए, अब काफी ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो उसकी ब्राइटनेस से कोई दिक्कत नहीं। और ये थोड़ा सा है, इसको भी हटा देंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो इमेज के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालती हैं। काफी बेटर लुक आ गया पिक का भी है। अब इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये रेडी हो चुका है। अब सारी इमेज को आप चाहे तो मर्ज कर देंगे, हम सभी को मर्ज कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के बाद में, और मर्ज लेयर्स कर देंगे। तो देखिए मर्ज हो गई। अब इतना करने के बाद में आप नई लेयर लीजिए, नई लेयर रहने के बाद में आप फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे हम रेंडर पे आएंगे और यहाँ पे क्लाउड्स करेंगे। ऐसा आएगा, और क्लाउड्स पे करने के बाद में आप ओवरले कर सकते हैं, ओके। ओवरले करेंगे तो आपकी पिक का जो लुक है कुछ इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं। और इसकी हम ऑपेसिटी कम कर देते हैं थोड़ी सी। ये आपकी पिक रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी पिक का मैनिपुलेशन कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।